दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना, फिल्म को कितने स्क्रीन्स में रिलीज किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज थलापति विजय की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज हुई है। इन शॉर्ट में फिल्म का टाइटल द गोट है। ये फिल्म थलापति विजय की सेकेंड लास्ट फिल्म है। इस फिल्म के बाद बस उनकी एक फिल्म रिलीज होगी, फिर वे फिल्मों से रिटायरमेंट ले लेंगे। थलापति विजय की पिछली फिल्म लियो थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म ने हिंदी में भी अच्छा कलेक्शन किया था और हिंदी में हिट रही थी। आपको बता दो दोस्तों कि द गोट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में थलापति विजय के अलावा अखिल, प्रशांत, प्रभुदेवा, अजमल अमीर, मोहन जयराम, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू नजर आए। फिल्म को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी। ये फिल्म वेंकट प्रभु और थलापति विजय के साथ में पहली फिल्म है। बात करें रनिंग टाइम की दोस्तों ये फिल्म 3 घंटे 2 मिनट लंबी फिल्म है। वहीं बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 2700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया तो ओवरसीज में लगभग 1800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का थिएटरिकल बजट लगभग 230 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों पहले दिन की कलेक्शन ब्लॉकबस्टर दिख रहे हैं। फिल्म की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग भी तगड़ी रही है। ये फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ 65 से 68 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 140 से 145 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। अगर फिल्म के रिव्यूज अच्छे पॉजिटिव आए तो स्पोर्ट बुकिंग अच्छी रहेगी जिससे फिल्म के कलेक्शन और भी ज्यादा आ सकते हैं। अगर फिल्म के रिव्यूज नेगेटिव भी आते हैं तो फिर भी फिल्म की ओपनिंग तगड़ी रहेगी जैसा हमें बीस्ट के टाइम देखने को मिला था। बीस्ट ने काफी अच्छी ओपनिंग की थी लेकिन फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले थे जिसके चलते आगे के कलेक्शन बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछली बार की तरह थलापति विजय की ये फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो पाई है। हालांकि थलापति विजय के नॉर्थ फैंस ने मल्टीप्लेक्स में रिलीज करवाने के लिए ट्रेंड चलाए थे लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन ये फिल्म सिंगल स्क्रीन में काफी जगह रिलीज हुई है। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।